तो यहाँ तक हमने काम कर रखा था पिछले रिकॉर्डिंग्स में, आप देख सकते हैं। इसको मैं अगर इधर स्क्रॉल करूँ तो ये है, ठीक है। यहाँ तक पूरा हमने काम कर रखा था जी, ये सारा चीज़ें आप देख लीजिए, ठीक है। इसको मैं रन करके भी अगर दिखा दूँ एक बार तो आप देख लीजिए कैसा था। रीलोड मारा, इसे इस पे क्लिक करा तो इतना हमने काम कर रखा था। लेकिन ऐड है ना, ऐड बटन के बगल में क्लोज बटन देते तो अच्छा होता। सबमिट किया तो फॉर्म सबमिट हो गया, क्लोज बटन दे देंगे और क्या। आता हूँ मैं मॉडल में, मॉडल के अंदर आया और आता हूँ मैं नीचे, ठीक है। ये देखिए, ये है बटन का कोड, ठीक। इसी को मैं करूँगा कॉपी, और क्या करूँगा मैं कि जहाँ पे मॉडल है हमारा, ठीक है, किधर गया मॉडल मेरा, मॉडल का ये है टाइटल, ठीक है। यहाँ पे क्लास ऐसे दे देता हूँ, मॉडल हाइफन TITL ही करने मजा आ जाए, और यहीं पे मैंने पेस्ट कर दिया जो है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे है क्लोज, क्लोज से आ जाएगा, डिसमिस सेम है मॉडल तो ये मॉडल डिसमिस कर देगा, ठीक है। इससे आ जाएगा जी आइकन, तो चलिए इतना मैंने मॉडल टाइटल के अंदर इसको, मॉडल टाइटल मॉडल हेडर के अंदर मैंने इसको भी क्लोज कर दिया और ये टाइटल, ठीक है। चलिए जी आते हैं अब यहाँ पे, रीलोड कर देता हूँ, क्लिक करूँगा, इधर ले जाऊँगा तो ये हाइड हो जा रहा है, ठीक। हाइड होना नहीं चाहिए, तो मॉडल में ये एक एट्रीब्यूट ऐड कर दूंगा, क्या डेटा हाइफन BAC की हाइफन, नहीं, ड्रॉप इक्वल टू स्टैटिक, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा आप अपनी नज़रों से देखिए। अब इधर मैं कर रहा हूँ क्लिक, इधर तो कुछ नहीं हो रहा है, इस पर क्लिक करूँगा तब तो हटेगा। बूटस्ट्रैप का यहाँ पे भी दिया है, देख लीजिए, ठीक है। ये ड्रॉप एट्रीब्यूट लगाना है, वैल्यू ये देना है, पर ध्यान रहे डेटा अपेंड करना है, तो लिखना है हमें ऐसे, ठीक है। तो हमारा फॉर्म तो बन के पूरी तरह से रेडी हो गया है, ठीक है, फॉर्म रेडी हो चुका है। अब हमें बनाना है एक टेबल, ठीक। तो टेबल मैं कहाँ पे बनाऊंगा, फॉर्म है ये, फॉर्म के बाहर, तो फॉर्म टैग के ये रो और कॉलम बनाए हैं ड्यू, ठीक है। तो ये जो दो ठो ड्यू है ये, तो तीसरा ड्यू है कॉलम का, ठीक है। तो मैं एक जब टेबल बना लूंगा, इनके बाहर हम कंटेनर के अंदर रहूंगा, रो और कॉलम का ये ड्यू है, इनको छोड़ूंगा बाहर, या फिर फॉर्म के नीचे ही बना लूं क्या एक ड्यू में, नहीं मैं फिर से एक नया रो क्रिएट करूंगा, ये वाला ड्यू है रो का, इसके नीचे आऊंगा ड्यू, इसमें एक नया रो ले लूंगा मैं क्लास, और इसमें ऐड क्या लिख दूंगा, कॉल हाइफन MD-12, और इसी के अंदर मैं बना दूंगा टेबल। तो टैब टेबल प्रॉपर्टी लिखा और फिर TR लिखा, ठीक है, हाइफन स्लैश TR हो गया। अब TR के अंदर हम क्या करेंगे, TD नहीं TH बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा हेडर है। इसको मैं मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट करूंगा और यहाँ पे कर दूंगा नेम मोबाइल ईमेल, ठीक है।
स्टैंडर्ड टेबल का तो नहीं है सिंटेक्स, लेकिन हम यही यूज करेंगे। फिर टी आर मैंने शुरू किया, टी आर बंद हो गया, ठीक है। टी डी यहाँ पे शुरू कर दूंगा और यहाँ पे टी डी बंद हो गया। यहाँ पे ए सी एम एन टी कर दूंगा, इसी को हम कर देंगे कॉपी पेस्ट। और यहाँ पे क्या कर देंगे, मोबाइल में यही बोल देंगे 5 7 8 9 10, ये डमी मोबाइल नंबर है। सी एम एन टी वाई एस एच आर एट द रेट gmail.com, ठीक है, ये दे दिया जी। अब क्या करेंगे, सिंपल रन कर देंगे प्रोग्राम। और फिर उसके बाद क्या मजा नहीं आया ये टेबल का शक्ल देख के, कोई बात नहीं, क्लास में दे देंगे टेबल। ये बूटस्ट्रैप का क्लास है और बस ये डिजाइन बन के आ गया, ठीक है। यहाँ पे मार्जिन टॉप हाइफन 3 दे दूंगा तो ये ऊपर से थोड़ा मार्जिन हो गया, ठीक है। इसको कहे के लिए मैं क्यों ऐसा, इधर एक्शन एट्रीब्यूट भी एक मैं लगा देता हूँ अभी ही, ठीक है। इधर बाद में मैं कुछ जोड़ूंगा, यहाँ पे लाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा ACTI एक्शन। यहाँ पे होगा एडिट करने का, यहाँ पे डिलीट करने का ऑप्शन, ठीक है। और फिर यहीं पे आता हूँ, यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कुछ बना दूंगा बटन्स, तो BUTT बटन्स ले लिया मैंने। आई यहाँ पे भी मैं फॉन्ट ऑसम का ही यूज करूंगा, आई पे यहाँ पे फास हाइफन डिलीट नहीं ट्रैश होना चाहिए, मुझे याद है इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा वेबसाइट पे, ठीक है। ऐसे आई टैग को क्लोज कर दिया मैं, ये दो बार क्लोज हो गया, हट यहां से। और उसी तरह से मैं इस बटन को फिर से एक बार कॉपी पेस्ट कर लूंगा ऐसे, और ये हो जाएगा, नहीं नहीं ये ट्रेस का तो बन गया है, एडिट का बना देता हूँ इसको EDIT, ठीक है। तो बन के आ जाएगा मेरा दो ठो आइकन, मजा नहीं आया। हाँ इसको हटा दें क्या, काहे के लिए हमने, मैंने क्लास का नाम यहाँ पे दिया लेकिन ई पता नहीं काहे के लिए यहाँ आ गया, इसको इनवाइट तो मैंने किया नहीं था, मजा नहीं आया ही, ठीक है कोई बात नहीं। अभी मेरे को मालूम कैसे था, तो बूटस्ट्रैप में, बूटस्ट्रैप नहीं ये फॉन्ट ऑसम का आइकन है, इधर आ पाएंगे नहीं, इधर से तेरा काम खत्म हो गया। यहाँ पे लिख देंगे डिलीट, एंटर मारेंगे तो इधर आ जाएगा, नहीं आया देर में आया, ये देखिए ये ट्रैश है, ये देखिए यहाँ पे लिखा ये क्लस में हम कॉपी पेस्ट मारे थे, लेकिन हमको याद है तो हम ऐसे लिख दिए। लेकिन ये जो एडिट का आइकन दिखाई दे रहा है ना, ये मेरे को पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, एडिट की जगह PEN कर दूंगा, ये पेन बना दूंगा इसको, इसका डिजाइन मुझे पसंद अब नहीं है, तो क्या करूंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा, बी क्लास में दे दूंगा मैं BTN स्पेस, बस BTN दूंगा क्लास में, ये यहाँ पे भी BTN दे दूंगा, ऐसा डेकोरेट हो गया ये। अब मैं इसके अंदर स्टाइल टैग पास कर दूंगा, स्टाइल में एसी के बैकग्राउंड कलर क्या कर दूंगा मैं,
वाइट, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड वाइट हो गया, बॉक्स शैडो को कर दूंगा नन, मुझे बॉक्स शैडो नहीं चाहिए, वो जो आते हैं ना वाइट कुछ ब्लू कलर का या कुछ टाइप का, तो वो होना नहीं चाहिए इसलिए मैंने करा है। ठीक है, ऐसा हो गया। अब क्या करूंगा, यहाँ पे क्लास में आऊंगा, text-denger, यहाँ पे डेंजर लगा दिया क्लास में, ये कलर करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, डेंजर की जगह पे। ठीक है, तो ऐसा जैसे ही करूंगा ये बदल गया, ऐसा ये साइज में बहुत छोटा दिख रहा है, बड़ा कर दें क्या, नहीं करूंगा मैं, आप लोग साइज फॉन्ट साइज लगा हुआ के कर लीजिएगा बड़ा। मैं इसको बटन ग्रुप में रखना चाह रहा हूँ, तो डिव करूंगा ऐसे, इस डिव को कॉपी करूंगा और सारा बटन इसके अंदर डाल दूंगा, और यहाँ पे क्लास लगा दूंगा BTN-GROUP, BORDER। तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, इसमें क्लिक करूंगा, इसमें क्लिक करूंगा, लेकिन ये गोल दिखाई देता तो मजा ही आ जाता। तो स्टाइल टैग में बॉर्डर रेडियस देखते हैं, बॉर्डर रेडियस 50% रेडियस दे दिया, ये हो गया। मैं फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी दे ही देता हूँ, स्टाइल इको एंटी फॉन्ट हाइफन साइज 30 पिक्सल, और फिर यहाँ पे भी मैं दे दूंगा ऐसे। ठीक है, अब आ जाता हूँ यहाँ पे, मजा नहीं आया, बहुत बड़ा हो गया, 20। मैंने कहां से ही बटन ग्रुप देखा था, आपको भी हम दिखा देते हैं, इधर ही कहीं होगा बटन, ये देखिए यहाँ पे है बटन ग्रुप। ठीक है, तो यही है, और कुछ नहीं है, बटन ग्रुप, रोल ग्रुप। ठीक है, ऐसे ही बटन ग्रुप मैंने दिया था। ठीक है, रोल में मैंने ग्रुप नहीं दिया है, दे देंगे, क्या दिक्कत है। बटन ग्रुप दे दिए, गया बनके हमारा रेडी। अब हमें जो काम करना है वो डायनामिक काम करना है। ड्यूरेशन कितना हो गया, 16, कोई बात नहीं, इस पे क्लिक करने पे एडिट होगा, इस पे क्लिक करने पे डिलीट होना चाहिए। आता हूं मैं नीचे और यहां पे लिखता हूं स्क्रिप्ट, काम कर रहा है या नहीं जेक्वेरी वगैरह, मैं उसका टेस्ट लगा लेता हूँ। ठीक है, डॉलर डॉट DOCUMENT डॉट रेडी सेमी कॉलन, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन
फंक्शन बनाएंगे ऐसे, कर देंगे एंटर, ठीक है ऐसे, और इसके अंदर क्या कर दूंगा, ये अलर्ट पास कर दूंगा, अलर्ट, और इसके लिख दूंगा हेलो, ठीक है हेलो, ठीक है। अब जो है आ गया, हमारा काम कर रहा है। हम अगले जो है पार्ट में, अब हम वीडियो बना दें एक ही पार्ट में तो आप लोग देखोगे ही नहीं, इसलिए अगले पार्ट में अब डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने का हम लॉजिक लिखना शुरू कर देंगे। चलिए।